अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं, जो कि पासपोर्ट के हवाले से, अगर आप इंडिया से सऊदी का सफर कर रहे हैं, इंडिया से सऊदी आ रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए, तभी आप सऊदी का सफर कर सकते हैं। अगर आप सऊदी में मौजूद हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं और आप छुट्टी जाना चाहते हैं, यानी खुरूज अहुदा पे जा रहे हैं, तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। अगर आप सऊदी से खुरूज निहाई जा रहे हैं, फाइनल एग्जिट में जा रहे हैं सऊदी से, तो आपके पासपोर्ट की वैधता कितनी होनी चाहिए, यानी पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी होनी चाहिए। ये जो है सऊदी का जो जवाजात है, सरकारी दफ्तर है, सरकारी ऑफिस है, उनका ये बयान आया है। उन्होंने पुष्टि किया है कि जिनका वैलिडिटी, यानी जो खुरूज अहुदा पे जा रहे हैं, खुरूज निहाई पे जा रहे हैं, और जो इंडिया से सऊदी आ रहे हैं, उनके पासपोर्ट में वैलिडिटी रहेगा, तभी ये जा सकते हैं और आ सकते हैं। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ कि कितनी वैलिडिटी है आपको खुरूज निहाई जाने में और खुरूज अहुदा जाने में और इंडिया से सऊदी सफर करने में कितनी आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी होना चाहिए। वीडियो लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, हम अपना पासपोर्ट रख देते हैं और भूल जाते हैं, कभी चेक ही नहीं करते हैं अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी, कि हमारा पासपोर्ट का वैलिडिटी कितना बचा है। जब हम सऊदी से इंडिया जाते हैं तो अपने बैग में पासपोर्ट रख देते हैं, सूटकेस में रख देते हैं, या तो इंडिया से सऊदी आते हैं तो बैग में सूटकेस में रख देते हैं, रख करके भूल जाते हैं, कभी चेक नहीं करते हैं। मैं भी कभी चेक नहीं करता हूँ, लेकिन मैं 4-5 दिन पहले अभी चेक किया मैं, कि चेक करूँ कि हमारे पासपोर्ट की वैलिडिटी कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल अभी तो मेरे पासपोर्ट की वैलिडिटी बाकी है, 4-5 साल के बाद ही ख़त्म होगा। तो यही होता है, हम चेक नहीं करते हैं जब हम कहीं हमको जाना रहता है, फिर भी नहीं चेक करते हैं, चले आते हैं या चले जाते हैं, चेक नहीं करते हैं। तो क्या है ना, अचानक हम जब देखते हैं तो हमको प्रॉब्लम हो जाता है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हमारे पासपोर्ट में वैलिडिटी नहीं रहता है, फिर हमको रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर आपके पासपोर्ट में वैलिडिटी नहीं चेक की हो तो आप चेक कर लीजिए कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितना है। क्या है ना कि यहाँ का जो जवाजात सरकारी दफ्तर है ना, उन्होंने बोला है, उनका कहना है कि जो लोग इंडिया से सऊदी का सफ़र कर रहे हैं, यानी सऊदी का सफ़र कर रहे हैं जो लोग, उनकी पासपोर्ट की वैधता, उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 4 महीने से ऊपर होनी चाहिए, यानी 120 दिन से ऊपर होगा तभी वो सऊदी का सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट में 4 महीने से ऊपर की वैलिडिटी नहीं है, तब आप सऊदी का सफ़र नहीं कर सकते हैं। तब आप अपने पासपोर्ट को पहले रिन्यूअल कराइए, फिर आप सऊदी आ सकते हैं। और जो लोग सऊदी में मौजूद हैं, सऊदी में काम कर रहे हैं, वो खुरूज अहुदा पे जा रहे हैं, छुट्टी पे जा रहे हैं। खुरूज अहुदा मतलब होता है छुट्टी, खुरूज अहुदा जो शब्द है ना, ये अरबी का शब्द है। तो ये लोग छुट्टी पे जा रहे हैं तो उनकी पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 3 महीने की होनी चाहिए, 90 डेज। अगर 90 डेज का वैलिडिटी नहीं है तो वो छुट्टी नहीं जा सकते, तभी उनको अपने पासपोर्ट की वैलिडिटी बढ़ाना पड़ेगा, यानी रिन्यूअल कराना पड़ेगा उनको पासपोर्ट, तभी वो छुट्टी जा सकते हैं, तभी उनका छुट्टी लगेगा, ठीक है। अगर कोई खुरूज निहाई जाना चाहता है, फाइनल एग्जिट जाना चाहता है, सऊदी से फाइनल एग्जिट जाना चाहता है, तो उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितना होना चाहिए, उनके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 2 महीना का होना चाहिए, 60 दिन का, तभी वो खुरूज निहाई जा सकते हैं, तभी वो फाइनल एग्जिट पे जा सकते हैं। अगर 60 दिन की वैलिडिटी नहीं है, उससे कम है, तब आपका खुरूज निहाई नहीं लगेगा और आप जो है कि आपको पासपोर्ट रिन्यूअल कराना पड़ेगा, तभी आपका खुरूज निहाई लगेगा, तभी आप खुरूज जा सकते हैं, फाइनल एग्जिट जा सकते हैं, ठीक है। तो ये था जवाजात का, यहाँ का जो सरकारी दफ्तर है उनका कहना है कि अगर जो सऊदी का सफ़र कर रहे हैं उनका 120 दिन का वैलिडिटी होना चाहिए, और जो खुरूज अहुदा पे जा रहे हैं 90 डेज का वैलिडिटी पासपोर्ट का होना चाहिए, और जो खुरूज निहाई जा रहे हैं, फाइनल एग्जिट जा रहे हैं, तो उनका वैलिडिटी 60 दिन का होना चाहिए।
ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में बेल आइकन दबा देना। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।